कुछ मंच पर नहीं गया तो क्या, मतलब मैं कहीं और भी गया हूँ, मतलब डिपार्टमेंट है तो उनके डिपार्टमेंट भी वैसे के वैसे ही हैं। मतलब अगर हमारा जी डिपार्टमेंट नहीं है तो वो नहीं ही बना है, और जिनके हैं तो वो अपग्रेड नहीं हुए। विचार में यही है कि रैगिंग से एक इंटरेक्शन बनता है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं शिवम सिंह परिहार और सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आज कायदे से तो हम सभी को कॉलेज में प्रधान अध्यापक द्वारा ध्वजारोहण देखने जाना चाहिए था, पर किसी कारणवश नहीं जा पाए। और हर वर्ष छात्रों द्वारा दिए जाने वाला भाषण, गीत संगीत सुनते और देखते और महसूस करते रहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या कैसी भूमिका रही है इस 15 अगस्त के माहौल में, और आपने कैसे इसको मनाना चाहा है और मनाया है गत वर्षों में। जैसे कि आप सभी मुझे जानते हैं, सभी को नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो मैं अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ। तो मतलब पिछले 4 सालों में कुछ यूँ हुआ है कि मैं लगातार 15 अगस्त, 26 जनवरी और कहीं भी दूसरे जो मौके जहाँ पर हमारा कॉलेज में कोई कार्यक्रम होता है तो मैं वहाँ पर मौजूद रहा हूँ। और मतलब जिस जी तरह से कॉलेज में वो त्योहार को मनाया जाता है या वो दिन को मनाया जाता है, तो उसमें पूरा पूरा मतलब मेरा सहयोग रहता था। जी वहाँ पर जाकर के बच्चों को प्रोत्साहित करना या फिर मतलब सुनना कुछ, मतलब अपने देश के लिए, अगर जैसे 15 अगस्त को गए हो, किसी और फंक्शन में गए हो तो उस फंक्शन को जी देखना, तो ये सब चीजें रही हैं। अच्छा, तो क्या आपने भी कभी मंच को ज्वाइन किया है, मतलब कभी कोई भाषण देने की इच्छुक रहे हैं क्या आप भी? नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। मतलब हाँ, बस मैं रहता जरूर था, लेकिन हाँ मैंने मंच पर कभी कुछ ऐसा योगदान नहीं किया। अच्छा, तो अफसोस नहीं होता कि काश मुझे भी मौका मिला होता, मैं भी जाता मंच पे और दो शब्द तो जरूर बोल के आना था मुझे 15 अगस्त इस पे। चीज का अफसोस इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कुछ मंच पर नहीं गया तो क्या, मतलब मैं कहीं और भी गया हूँ। मतलब जैसे एक्सेप्शन में मैंने काफी कुछ किया है, तो मतलब मुझे उस चीज से कोई मलाल नहीं है क्योंकि मतलब मैंने कुछ तो किया है। अच्छा, तो मैं बताना चाहूंगा कि बादल सर हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हैं, और कोई डिपार्टमेंट आपका क्या मानना है, अब तक क्यों नहीं बना कुछ भी, क्यों कुछ बदलाव नहीं आया जब से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट नहीं बन पाया है? देखो, जिनके डिपार्टमेंट है तो उनके डिपार्टमेंट भी वैसे के वैसे ही हैं। मतलब अगर हमारा जी डिपार्टमेंट नहीं है तो वो नहीं ही बना है, और जिनके हैं तो वो अपग्रेड नहीं हुए, तो देखा जाए तो हुआ तो कुछ भी नहीं है। तो जी बस यही है बात, तो कि मतलब हुआ तो कुछ भी नहीं है। इसका कारण किसी भी एक इंसान को नहीं जा सकता, इसका जिम्मेदार कोई एक इंसान नहीं है, तो मतलब हम भी नहीं जानते कि कौन है। तो हमको सिर्फ कॉलेज से ही उम्मीदें लगाए रखनी चाहिए या फिर कुछ छात्रों को भी प्रयास करने चाहिए इन सब कामों के पीछे? कर सकते हो आप प्रयास, क्योंकि कई सारे मतलब जो स्टूडेंट्स रहे हैं उन्होंने ऐसे प्रयास किए हैं कि हमारे लिए कुछ डिपार्टमेंट बने। क्योंकि जी अगर हम कॉलेज में हैं तो मतलब हर किसी की नीड होती है कि हाँ हमें भी डिपार्टमेंट चाहिए, कुछ मतलब हमारा भी एक रास्ता हो। तो ऐसा मतलब जैसे मेरे कुछ जी सीनियर्स थे, करंट सीनियर्स, उन्होंने कुछ किया था, लेकिन मतलब आफ्टर ऑल उसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं निकला। तो वही, अगर कोई आगे कुछ इस बारे में बोलेगा तो कुछ होगा, तो मेरे सुनने में आया है कि शायद कुछ हो रहा है इस टाइप का, तो मतलब कुछ नहीं जी कर। अच्छा, तो आपने जैसे उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में सन 2016 में दाखिला लिया था, और अभी 2020 में अलविदा लेने वाले हैं, तो क्या कुछ माहौल आपको परिवर्तन देखने को मिला है, कि मतलब क्या बदलाव आया है आपके हिसाब से, कि क्या वो जो भी आया है वो ठीक था, या फिर कुछ आपको दुख है कि काश ऐसा ना होता, या फिर आप कुछ बदलना चाहते हैं, ऐसा कुछ बताएंगे क्या अपनी जनता को? देखो, जैसे हम 21वीं सदी में हैं और आए दिन हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया देखते हैं, तो जब मैं आज से 4 साल पहले की बात करूंगा जी तो जी एक माहौल अलग था, लेकिन अब वो माहौल बदल चुका है। मतलब थोड़े बच्चे एडवांस हो गए हैं। मतलब अभी जो हम लोग मतलब 4th ईयर में आके जान रहे हैं कि हाँ हमें इंडस्ट्री लेवल में जब हम जाएंगे तो इस टाइप का कुछ काम करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे अभी से वो उन जी चीजों पर मेहनत कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छी बात है।
जी अच्छा, और बात करते हैं जब सीनियर जूनियर्स की, और सीनियर जूनियर के बीच एक मर्यादा और प्रेम होता है, कई वर्षों से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये चला आ रहा है। तो अभी जब यूएसी न्यूज ने रैगिंग पर एक वीडियो पोस्ट किया था, तो उसपे कई लोगों ने कमेंट किया था और उसमें कहा था कि रैगिंग ये होती है, रैगिंग वो होती है। तो आपकी क्या कुछ परिभाषा होगी रैगिंग की, आप किस प्रकार से रैगिंग को देखते हैं और किस प्रकार से इसको बयां करना चाहेंगे? रैगिंग के दो पहलू हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अब लोग कहते हैं कि रैगिंग से अच्छा क्या होता है। अच्छा मतलब डिसिप्लिन आता है, आप डिसिप्लिन सीखते हैं, ठीक है। और रही बात बुरे की, तो जी रैगिंग बुरा कब हो जाता है? जब लोग आपसी खुन्नस निकालने लगते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मतलब हमारे जी कॉलेज में ऐसे बहुत ही कम छात्र हैं जो कि इस तरह से कुछ मतलब बुरा व्यवहार करे होंगे। जी मैं तो यही मानता हूँ कि मतलब मैंने जितना देखा है उस हिसाब से तो मतलब मेरे विचार में यही है कि रैगिंग से एक इंटरेक्शन बनता है सीनियर का एक जूनियर। अच्छा, आप कोई अपना अनुभव पुराना साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ, या आपकी रैगिंग हुई हो या फिर आपने रैगिंग ली हो? मैंने कई बार आपकी जंगल ट्रिप के बारे में भी काफी सुना है, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या? हाँ, जंगल ट्रिप काफी मजेदार थी हमारी। हम करीब 10 लोग थे, जी 5 लोग ईसी से थे और 5 लोग पीएस वाले थे। तो जब नए नए दोस्त ही बने थे, जी मतलब शुरुआत की बात है, और जब किसी एक सीनियर के जी दम पर हम रुक जाया करते थे। अगर हम 10 भी थे तो हमें इतना खौफ था कि हाँ मतलब ये हमारे सीनियर है, उन्होंने बोला है तो रुकना है। और फिर मतलब वो उन सीनियर ने बाकी अपने दोस्तों को बुलाया, बाकी कई सारे लोग इकट्ठे हुए, तो अब हमारी संख्या कम हो गई और उनकी दुगनी हो गई हमसे। तो बस इसमें तो काफी मजा आ ही गया। मतलब हम करीब 1-1.5 घंटा वहां पर अपना समय दिए थे। और क्या जी है, मतलब एक दोस्त है, उसे रोना भी आ गया था। तो लेकिन वो मानता नहीं है आज के समय में ये बात। अच्छा अच्छा तो यही कुछ बातें हैं तो हम याद करके हंसते रहते हैं। अच्छा और आपको क्या लगता है आजकल, मतलब जैसे उस समय पार्टी वगैरह का भी कोई चलन था क्या, कि मतलब सीनियर जूनियर से अक्सर पार्टी मांगा हाँ करते थे? आजकल कुछ वो वो देखने को नहीं मिलता हाँ है इतनी चीजें, और बच्चों में आपस में गुटबाजी ज्यादा देखने को मिलती है। आपका क्या कहना है इस विषय पर? तो ऐसा है कुछ कि जब ये जो रैगिंग का वाकया मैंने जो अभी बताया है, तो इस रैगिंग के वाकये में हाँ हमारा आखिरी प्लान तो यही होता है जूनियर का कि हाँ हमें कुछ पार्टी मिल जाए। लेकिन ये रैगिंग थोड़े गलत तरीके दिशा में चले गई और वहां पर 100 नंबर की गाड़ी आ गई। तो कुछ हुआ यूँ, हम भागने वाले थे लेकिन हमारे सीनियर्स अच्छा भाग पड़े। तो मतलब कुछ ऐसा वाक्य हो गया। तो हमें उस दिन तो कुछ अच्छा, मिला तो ये नहीं। पार्टी वगैरह आपने खूब ली होंगी, क्या बताना चाहेंगे आप इस विषय पे? ली तो कम ही है, दी ज्यादा है। मतलब दी ही ज्यादा है मैंने, दिया अच्छा तो कम। हाँ, तो ये थे हमारे कुछ सवाल हमारी तरफ से, यूजी न्यूज की तरफ से, और अब इस भाग में जनता की ओर से किए गए कुछ सवाल रखेंगे अब हम, जो आपके साथियों ने, आपके जूनियर्स ने, आपके बैचमेट्स ने पूछे हैं। तो वो पूछना चाहते हैं आपसे कि कॉलेज का सबसे अच्छा और बुरा वाक्य आपके साथ क्या रहा है? कॉलेज का सबसे अच्छा वाक्य तो वही एक्सेप्शन के दिन, जब हम पूरे दिन दिन भर मेहनत करते थे। मतलब सुबह घर से निकलो तो सुबह का खाना छोड़ के सीधे शाम का खाना खाओ। तो वो मतलब एक संघर्ष था उन दिनों में, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था कि हम कराने क्या वाले हैं। जी हमने बस एक बार हमारे सीनियर्स को कराते देखा था। और आप सभी को मैं बता दूं कि जब पहली बार कोई भी चीज होती है तो वो मतलब बिना सोचे समझे या बिना किसी प्लान के होती है, या फिर जो प्लान जितना सोचा जाता है उतना तरीके से पूरा नहीं हो पाता है। क्योंकि हम हमेशा मतलब अपना काम 100% नहीं कर सकते। अगर हम करते तो कहीं नहीं हमारे लिए। तो वही कि मतलब हमें आइडिया था कि जी हाँ बस कुछ इस लेवल का होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम अपना उसमें एफर्ट्स डालते गए वो बढ़ती गई। तो एट द एंड आपके सामने मतलब तो वही दिन है जिनके कारण थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला है पढ़ने। और बुरे में तो जी ऐसे ऐसा तो कुछ है नहीं। अगला सवाल ये आता है कि हमारे यहाँ कॉलेज में फूल मालाओं का चलन बहुत है, किसी का जन्मदिन आता है लोग फूल माला पहुंचाने लगते हैं, पहनाने लगते हैं,
और लोग इकट्ठा होते हैं, पर आपके विषय में जो सुनने में आया वो काफी अलग था। आपके काफी अलग अलग विभिन्न तरीकों से आपने बर्थडे मनाया है लोगों से, उसके बारे में कुछ आप अपना अनुभव साझा करेंगे क्या? वैसे इस बारे में बता दूं, ये जो आइडियाज होते हैं ये हितेश शर्मा सर के दिए हुए होते हैं, बस हम उन्हीं के आइडियाज को फॉलो करते हैं। और अच्छा, हमारा काम है लोगों को जोड़ना, मतलब हम लोग सब मिलकर हमारे किसी दोस्त का बर्थडे मना रहे हैं, हम लोग सब एकजुट हो जाते हैं और बस बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बाकी आइडिया मेरे नहीं रहते जी। और कई लोगों का जो सुझाव आया था और उनका कहना है ये कि आप एक बहुत लीजेंडरी डांसर हैं, आपके डांस की मतलब काफी किस्से हमने सुने हैं, तो आप कुछ साझा करें हमारे दर्शकों के साथ में कुछ किस्से। हाँ, मैं काफी लीजेंडरी डांसर रहा हूँ और इसका आप अगर आपको देखना है सबूत चाहिए तो मैं एक इंस्टाग्राम पर अभी एक वीडियो डाल रखा हुआ और एक आने वाले दिनों में डालने वाला हूँ, तो आप मतलब देख सकते हो और थोड़ा आनंद में। जी, वो मतलब लेजेंडरी डांस देखने को मिलेगा जनता को अभी। हाँ, लेजेंडरी डांस मतलब ऐसा होता है कि जो मन से किया जाए, खुश मन से, मतलब आपको जब नहीं भी आता हो फिर भी आप खुश हो कि हाँ मुझे अभी डांस करना है, हो जाता है फिर तो लेजेंडरी डांस। जी, और कुछ दर्शकों का पूछना है कि आप दिल्ली ट्रिप करने गए थे, बताना था उनका कि आप दिल्ली ट्रिप करने गए थे और उनके कुछ खास अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, और मतलब दर्शकों को बताएं कि कैसे कॉलेज लाइफ में जो ट्रिपे होती हैं, जो ट्रिपे आप घूमने जाते हैं अपने सीनियर्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ, किस प्रकार से वो आपकी कॉलेज लाइफ पर प्रभाव डालती हैं और क्या कुछ उससे फायदा लिया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं ट्रिप मतलब ट्रिप पर जाना मतलब माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं, तो मतलब जैसे मैं हर साल एक एक ट्रिप कहीं पर गया हूँ, कहीं कभी पास कभी दूर और अलग अलग लोगों के साथ, तो एक अच्छा अनुभव है ये चीज, क्योंकि आप कॉलेज से पढ़ने नहीं आते हो, मतलब आप क्योंकि स्कूल में आपके पास इतनी मतलब रंजिशें रहती हैं, आप बंधे हुए रहते हो कि आप कहीं जाओगे तो पेरेंट्स से पूछ के जाओगे, लेकिन आप कॉलेज के बाद आप मतलब किसी बड़े इंसान की मदद के बिना आप घूमने जाते हो, तो आप फ्री माइंड से जाते हो, मतलब आजकल के खैर बच्चे तो अभी जैसे मूड आई इस साल बच्चे काफी गए थे, तो मतलब आजकल के बच्चों को भी ये चीज तो पता ही है कि मतलब घूमने का महत्व क्या है, बच्चों भी जानते हैं। ऐसे जो बाहर से बच्चे आते हैं मतलब वो काफी पैसों की तंगी से भी जूझते हैं, काफी कुछ उनको सीखने में मिलता है। आप उज्जैन में ही रहने वाले हैं या कहीं बाहर से उज्जैन शिफ्ट हुए हैं, और क्या क्या कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा है अपने कॉलेज लाइफ में, मतलब जैसे देखा जाए खाने की व्यवस्था? हाँ, एज अ स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट मतलब मैं वैसे तो बाहर से खरगोन से हूँ, तो खरगोन से मैं उज्जैन शिफ्ट हुआ और उज्जैन में फ्लैट शेयर करके रहते हैं, पांच लोग रहते हैं, एक जूनियर है, हम साथ वाले हैं, तो मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि हम मतलब पांच लोग अगर है साथ में तो कभी कोई दिक्कत का सामना करना हुआ नहीं, क्योंकि मतलब पूरा घर हमें कम सेटल मिल चुका था और खाने वाली बाइक लगा रखी थी, ये सब चीजें थी, कुछ भी होता था तो हम पांच लोग मिलके काम कर ही लेते थे, तो ये सब चीजें तो खैर मतलब डेली लाइफ की चीज है, ये तो सभी को आनी चाहिए। अगर इसे कठिनाई का नाम देंगे तो अगर इसे कठिनाई का नाम देते तो ये तो गलत हुआ, क्योंकि ये तो दैनिक जीवन है, मतलब ये तो काम करना ही है। और बहुत सारे लोगों ने आपको जो है तो इम्पोर्टेंट बताया है, आप इसको किस प्रकार से जो है तो जस्टिफाई करते हैं, मतलब हाँ ये जो चलन में इस समय आ रहा था, बहुत ज्यादा सुनने में आया था कि बादल सर इम्पोर्टेंट हैं, तो इसका क्या कारण, मुख्य कारण क्या हो सकता है इसका? इसका मुख्य कारण व्यवहार ही होता है इंसान का, जो मतलब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो आप अगर किसी से अच्छे से बात करते हो तो आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो आपको रिस्पेक्ट देंगे, बस इतनी सी बात है, लोगों का प्रेम है, और ये तो लोग ही ज्यादा अच्छे बताएंगे कि क्यों वो इम्पोर्टेंट है। जी जी और ये भी था कि अंत की बात है पर बड़ी बात है कि लोग कुछ छोटे मोटे इवेंट भी कराने जाते हैं तो पसीना मार जाता है, और पर आपने बहुत बड़े मतलब कॉलेज का कहेंगे कि एक अच्छा खासा इवेंट है एक्सेप्शन, उसको आपने एक समय लीड किया है, तो आप उसके बारे में क्या अपना अनुभव साझा करेंगे, क्या क्या कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा है उसमें, और किन किन चीजों में आपको फायदा मिला है उस एक्सेप्शन को लीड करने के बाद? मतलब
तो वो चीजें आप अगर हमारे दर्शकों के साथ साझा करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप कोई इवेंट कराते हैं या कोई फंक्शन कराते हैं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा भी, तो आप काफी कुछ सीखोगे, क्योंकि आप कई सारे नए लोगों से मुलाकात होगी आपकी, तो आप सीखोगे कि आपको इससे किस तरह से बात करनी चाहिए, मतलब क्या व्यवहार होना चाहिए आपका। तो ये तो चीजें कुछ सीखने के लिए है। और जब आप कोई काम कराते हो तो मतलब बिना दिक्कतों के तो जो काम हो जाए वो काम ही करें, तो मतलब मेहनत तो लगती है, क्योंकि अगर आप संघर्ष नहीं करोगे, जैसे कि आप अपने कॉलेज की स्थिति जानते हो, मतलब यहाँ पर ऐसा कोई माहौल है नहीं जहाँ पर मतलब सब लोग हेल्प करने आ जाए। तो अभी भी मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर कुछ कॉलेज में कोई भी फंक्शन होता है, जैसे MTM होता है, आयाम होता है, या जो भी मतलब अगर उनके अलावा भी कोई फंक्शन होता है, तो मतलब सारी ब्रांचेस के बच्चे हिस्सा लें, लेकिन ऐसा थोड़ा कम देखने को मिला गया है। मतलब पता नहीं ये मानसिकता वो थोड़ा मतलब लोग अगर मिलके एकजुट होकर काम करेंगे तो काम अच्छा भी होगा और वो सराहनीय होगा। तो कहीं कहीं आपको ये नहीं लगता कि MTM वाले ऐसा सोच रहे हैं कि एक्सेप्शन वालों का इवेंट है, या फिर एक्सेप्शन वाले सोच रहे हैं कि MTM वालों का इवेंट है तो हम इसमें नहीं जाएंगे या फिर उसमें नहीं जाएंगे, या फिर किसी भी प्रकार से इनमें हमारे मतलब जैसे कई रिसोर्सेज होते हैं? आपको बात क्लियर कर लूं कि इवेंट्स होते किस लिए है, बच्चों की काबिलियत को मतलब शोकेस होता है, प्लेटफॉर्म है ये। तो फिर वो बच्चा अगर मैं मतलब मेरा इंटरेस्ट मशीनरी में है और मैं कुछ रोबोट बनाना चाहता हूँ तो मैं क्यों नहीं पार्ट लूँ, मतलब मुझे उसमें लेने में क्या दिक्कत है। तो ये तो एक प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, जो अब कॉलेज में जितने भी इवेंट्स होंगे ये नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म डिपेंड करेंगे। अच्छा आपके कॉलेज में इवेंट कितने होते हैं, आप कितनी जगह अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, तो बस इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज। कि आप अपॉर्चुनिटी अगर ग्रैब कर रहे हो तो ये आपका फायदा है, ना कि किसी और का। ये क्योंकि मानसिकता बना दी जाती है, कुछ सीनियर्स द्वारा ही बनाई जाती है या फिर खुद की लोगों की मानसिकता रहती है? ये तो किसी के मन पर किसी का काबू नहीं है, मतलब कोई क्या सोचता है पर, लेकिन हाँ उन्हें सही दिशा में गाइड करने का मतलब हम लोगों का काम है। अगर हम लोग गलत उन्हें दिशा में ले जा रहे तो ये गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा कर कोई गलत करता नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे हमारी बॉन्डिंग रही है मैकेनिकल के ब्रांच के जो स्टूडेंट है, मेरी जो बॉन्डिंग रही है वो काफी अच्छी रही है और हम लोग काफी मतलब साथ में रहे भी हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब तुम वो और हम ये, तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हम मतलब मैंने बखूबी अगर उसमें मैं जितना कर सकता था, जैसा कि मैंने बताया मतलब मैं हर इवेंट में पार्ट लिया हूँ, तो मतलब मैं कुछ भी हो रहा है कॉलेज में फंक्शन, क्योंकि यही वो फंक्शन है या यही वो जो रात या दिन है जो तुम्हें बाद में याद आएंगे। जैसे आप भी अपना कॉलेज खत्म करोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ मेरे कॉलेज के जो अच्छे दिन थे वो यही थे जब मैं इवेंट्स में पार्ट लेता था या कुछ क्रिकेट टीम से या कुछ स्पोर्ट्स में गया हूँ कहीं, तो यही भी चीजें होती है जो याद आती है। जी 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 अच्छा, तो अंत में तो आप हमारे साथ कुछ अनुभव साझा करेंगे क्या कि कैसे सीनियर जूनियर को रहना चाहिए, कैसे उनके आपस में स्वभाव होने चाहिए, और क्या कुछ आपने गलतियां करी हैं जो आपके जूनियर्स ना दोहराए, या फिर आपको अब जाकर के पता चला है कि काश मैं फर्स्ट ईयर से ये करने लगता तो शायद आज मेरा मकाम दूसरा होता, और या फिर कुछ ऐसा लगता हो आपको तो वो आप जरूर साझा करें आप हमारे दर्शकों के साथ में। ऐसा कैसा मतलब उनको मस्ती करना चाहिए, पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए? कई लोग ऐसा बताते हैं कि सेकेंड ईयर तक खूब मस्ती कर लो फिर थर्ड ईयर से पढ़ाई शुरू कर देना, या फिर ऐसा कुछ है क्या रूल बुक है क्या ऐसे कुछ? आप जब जागोगे तभी सवेरा होगा, तो आप अगर फाइनल ईयर में भी जागते हो तो तब भी सवेरा होगा, क्योंकि मतलब कई सारे जो इंजीनियर जो हमारे कॉलेज से पास आउट होंगे होने वाले हैं, उनमें से भी अभी कई सारे लोग अपने करियर को लेकर उतने सिंसियर है नहीं, या मतलब वो है पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं किसी कारण से। तो मतलब ये सब आपसी दिक्कतें हैं, अभी किसी के इंटरव्यू मैटर में हम कह नहीं सकते कि मतलब किसके साथ क्या दिक्कतें हैं। तो मतलब मैं यही कहना चाहूंगा मतलब पूरे टाइम मस्ती करो, आप चारों साल मस्ती करो, क्योंकि अगर मतलब कॉलेज इज ऑल अबाउट मस्ती करना, आप जितना एंजॉय करोगे कॉलेज लाइफ को उतनी अच्छी लगेगी, लेकिन हाँ मस्ती एक लिमिट तक होती है। जैसे हम बचपन में सीखते हैं कि कुछ भी काम करो तो एक लिमिट में करो, तो वही बात है कि आपको पढ़ाई मैनेज करनी है इसके साथ, तो पढ़ाई तो आप चारों साल ही करो, ऐसा नहीं है कि एक साल ही करो, पढ़ाई चारों साल करो लेकिन मस्ती भी चारों साल करो। अगर आप बैलेंस करके चलो मतलब बैलेंस बना के रखें दोनों चीजों में,
आप बैलेंस बना के रखोगे तो काफी आगे जाओगे। नहीं तो लड़खड़ा के गिर जाया करते हैं इंसान। चलिए ठीक है, तो सवालों का सिलसिला यही खत्म करते हैं, काफी बातें हो गई आज, और इसे अंत न समझे हमारे दर्शकों, यहाँ से यह नया सिलसिला शुरू होता है, और आगे भी ऐसे ही अपने पसंदीदा चरित्र को देखते रहने के लिए देखते रहिए यूसी न्यूज रोजाना। धन्यवाद।